नीतू ने लगा लिया अब ये दुकान। ये अनार है, मोर के जैसे खिलेगा ऐसे, मतलब वो पिकॉक डांस, ये अच्छे लगते हैं चलते हैं जब, ये वाले हैं। पटाखे खरीदने के लिए देखिए बिच्छू आया है, देखो डंक कितना बड़ा निकाल रखा है इसने, सूत्री बम दे रहा है उसको। नीतू ने कर लिए कान बंद, वो दाढ़ी बोल गई, दाढ़ी बोल गई बच्चों तरफ। सीजन का पहला अनार जल गया, जल गया, अब जल जाएगा। ऐसा लगता है जैसे कि गोल्डन प्ले बटन आ गया। स्वागत है दोस्तों आपका आज के हमारे नए ब्लॉग में। दोस्तों दीपावली की चल रही है साफ सफाई, सभी के घर पर साफ सफाई हो रही है और हम भी लग रहा है सफाई से। तो सफाई करते करते याद आया कि साड़ी भी तैयार करनी है दीपावली के वाले दिन पहनने के लिए, तो मैं लगा रही फॉल। और इधर है ना आई है अभी स्कूल से, और ये लेके आ गई है स्कूल में से ही अशोक के पत्ते, तो ये बना रही है माला। क्या हो गया इना, माला बना रही है अशोक की बना रही है। गेंदा के फूल तो उसी दिन लेके आएंगे, अभी से ले आते तो वो हो जाते सूख जाते। तो बच्चे बता रहा है कि स्कूल की तरफ इधर खेत है एक फूल का, पैसे लेके जाएंगे उसी दिन ले आएंगे, 10-20 रुपये किलो दे देंगे। ये भी पत्ते तोड़ लाइए, जामुन के पत्ते तोड़ लाइए, अशोक के खत्म हो गए वहाँ, जामुन के ले आइए। जामुन के अच्छे हैं तो बड़े बड़े पत्ते हैं जामुन के। क्या हो गया बेटा? लड्डू का। देखिए दोस्तों ये यहाँ पर टीवी देख रहा है, जैसे तैसे बंद कराइए। और मैं एक्चुअली मैं नहीं आ रहा हूँ क्योंकि मैं, आपको पता है अगर कल का आपने अगर मेरा वीडियो देखा है तो, फिलहाल अभी मेरी तबीयत ठीक है, चल फिर रहा हूँ आराम से। और हाथ भी ये वाला तो देखिए हाथ काम कर रहा है, हाथ तो खाना भी ये खा लिया है अपने हाथ। हाँ ये वाला थोड़ा ये कम कर रहा है काम। और हिना देखिए अशोक के पत्ते लेके आई है स्कूल से, स्कूल से ले आई है। तो उनको कैसे लगा रही है देखिए, पिंच मशीन से जॉइंट कर रही है। वो भी लाना है कलर इसके लिए, कलर लेके आने। हाँ। और पानी भी लेंगे, हमारे घर तो पानी, पानी का भी करता हूँ इंतजाम, कैसे सफाई करें, बाहर धोना इधर धोना धुलाई करेंगे, पानी भी नहीं है, राजस्थान हो रहा है हमारा बंदी तो। देखिए दोस्तों सुमंत ने जो दुकान लगा रखी थी ना पटाखे खरीदने के लिए, देखिए बिच्छू आया है, ये देखिए, ये देखिए बिच्छू आया है धनतेरस वाले दिन। ये देखिए ये निकला है ना, मक्खी बैठी है पास में और बिच्छू निकला, देखिए बच्चे और डंक। हाँ ये देखो डंक कितना बड़ा निकाल रखा है इसने। और ये बताए दुकान पर ना तेरी पर सुमंत वो खरीदने के लिए आया है सामान, बेच पूछ तो ले क्या चाहिए, पूछ इससे। वो सुमंत पूछ रहा है क्या चाहिए, डर लग रहा है इसका। नहीं नहीं कुछ मत बैग। और ये इधर हिना बैठ करके बना रही है रंगोली नहीं, इसकी दिवाली। अच्छा हाँ रंगोली से कलरों से लिख रही है हैप्पी दिवाली। इसने डंक नीचे कर लिया। हाँ इसका पता है इसको खतरा लगा ना तो इसने कर लिया ये ऊपर, और फिर इसको खतरा बोला कि कोई नहीं है यहाँ, तो दुकान पर ही कोई नहीं है, दुकान पर कोई नहीं, अपनी दुकान, तो अपनी दुकान पर बैठ तू जा। हाँ नीतू को खब्बा दे, ये देखो अरे अब ऐसा होगा बिल्कुल जैसे मर गया है। हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ है जैसे मर, देखो ऐसे होगा जैसे मर गया है। यार वो कर रहा है चालबाजी, ड्रामा कर रहा है, कुछ नहीं है। ओ प्लास्टिक को है जैसे। भैया क्या बेच रहे हो पटाखे वाले? तीरी, मेरे को लगा दोबारा आ गया, दोबारा निकला है सही में। क्या बेच रहे हो भाई? सब चीजें हम पे इतने पटाखे लेके आया है ये इतना सा। अभी तो इसमें से तो आधे तो चला दिए, चला दिए इसने आधे। हाँ। आधे तो चला दिए, इतना दीपावली का सामान नहीं आया इसके इतने पटाखे। हां ये देखिए मेरे रंगोली के गले, ये देख ये हेलीकॉप्टर, दुकान लगा ली। हाँ, दुकान लगा ली। मोर मोर जैसे, मतलब मोर के जैसे खिलेगा ऐसे, मतलब पीकॉक डांस। सुमंत दुकान लगा ले चौतरा पर बैठ के। और ये भी
ये भी अनार भाई भाई ये अच्छे लगते हैं, चलते हैं जब ये वाले हैं एकदम फुलझड़ी फुलझड़ी निकलती है, ये अच्छे लगते हैं। और कौन से? ये वाले अच्छे लगते हैं। और ये चकई भी अच्छी लगती है मुझे, यो यो चकरी है। और ये भी अच्छी, ये आवाज़ ज़्यादा करते हैं, आवाज करते हैं वही तो है? नहीं ये आवाज वाले, आवाज वाली नहीं है नहीं, तो वैसे ऊपर जाके खिलते हैं ये हैं वो आवाज वाले नहीं, खिलने वाले खिलने अरे ये 12 स्टार शॉट कहीं ऐसा तो नहीं है इसमें वो हो बिस्किट का बिस्किट ना। ये वास्तव में इस पर बिस्किट छपा हुआ है नहीं वो वैसे डिब्बा ये पर 12 स्टार है ऐसे तो इसमें वो है सीता गीता क्या सीता गीता है इसमें और उसके अंदर तो टाइटैनिक वाले हीरो हीरो ने सीता गीता तो क्या इसमें वो थोड़ी ना निकलेंगे सभी लोग चलाएंगे सबसे ज्यादा तो ये वाले ऐसे ही अच्छे लगते हैं जो खेलते हैं ऊपर को खेल जाते हैं ये भी अच्छा आवाज वाले कम अच्छे लगते हैं आवाज वाला ये बहुत है और ये देखो हेलीकॉप्टर वाला सबसे फेवरेट चीज है मेरी ये एक दे मेरे को मैं चला के दिखाऊंगा अपने सभी सब्सक्राइबरों को ठीक है अच्छा, ये वाली ये वाली इसको ना थोड़ा सा फाड़ ना फाड़ इसको मैं चलाऊंगा आज ना मैंने ना अरे यहाँ पागल है क्या तेरा पागल मतलब देखिए इसने वो निकाला और चला कहाँ रहा है ये देखिए जो पूरा का पूरा ना गोला बारूद रखा हुआ है उसी के पास में एकदम चला रहा दोस्तों आज ना मैंने देखिए सेविंग कर ली है पर फिर भी ये अभी मतलब पूरा नहीं कर पाया इस जगह पर तो नहीं कर पाया पर जहाँ तक थोड़ा थोड़ा सही हो गया था ना ये देखिए ये निशान जो बन गए हैं ना ये अभी रह गए हैं तो पता नहीं मिटेंगे या नहीं मिटेंगे पता नहीं चलो कोई बात नहीं और ये अभी और हैं ये कुछ निशान है ये धीरे धीरे हटेंगे तो यहाँ तक तो मैं नहीं कर पाया दोस्तों मेरा ना सबसे फेवरेट है ये चलाने के लिए नीतू तेरे को इसमें सबसे फेवरेट कौन सी है चीज़ मुझे ये वाले ऐसे अच्छे लगते हैं भाई मैंने पूछा था तो नहीं बताया ये वाले ऐसे अनार ये और मेरा है सबसे फेवरेट ये चिटर मिटर और मैं चला के दिखाऊंगा ये देखो इसको अब मैं फेंकूंगा तो ये चल जाएगी चल गई ये बच्चों वाला टक हाँ डैडी कह रहे हैं अपने बारे लाया इनको लेकर के बोले लौटा दे इनको क्या है ना और ये तेरा फोटो भी तो बन रहा है इस पर कहाँ ये रहा सकल मिल रही है बिल्कुल सुमंत का फोटो नाम मेरा नहीं 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 सुमंत तो हो रहा है ये है ना इसका नाम है और ये इसका फोटो है पासपोर्ट साइज फोटो ये आधार कार्ड वाला फोटो पूरी दुकान अपनी टेबल पर लगा रहा है पता क्या आलू का वेलकम वेलकम मूवी में है ना नाना पाटेकर की तरह इसको खींच करके ला रहा है और कैसे बोल रहा था समझ बोलना तुम्हारा बोल अब नहीं बोल रहा आलू ले लो आलू ले लो कांदा ले लो है आज ना एक भी बिकाए आलू ना बिकाए एक भी कांदा आधा कांदा इसने नीतू ने लगा लिया अब ये दुकान नीतू यहीं पर लगा रही है ढकेल लाऊ नहीं एक काम करते ना ग्रैंड विटारा के पीछे बहुत स्पेस है ना डिग्गी खोल करके लगा दिया देखिए कैसा लग रहा है ना ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि वो जो हॉलीवुड की जो मूवी होती है तो उसमें जो कोई घोस्ट वगैरह बनता है तो उसको थोड़ा सा ऐसा लगा देते हैं ऐसी कटवट लगा देंगे कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ ये भूत है ऐसे करके तो इस प्रकार से मैं ना भूत जैसा लग रहा हूँ चलो आगे दिखाता हूँ आपको कैसे ये तैयारी कर रहे हैं बच्चे बच्चे आज धनतेरस है ना तो धनतेरस की तैयारी चल रही है और कामना करता हूँ कि आप सभी के घर भी धनतेरस बहुत अच्छी तरह से मन रही हो और सभी अच्छी तरह से हर्षोल्लास के साथ में मना रहे हो और दोबारा से एक बार फिर से बोलूँगा आप सबको हैप्पी दिवाली हैप्पी धनतेरस हैप्पी गोवर्धन पूजा चलिए अपने घर का दिखाता हूँ कैसा हम एंजॉय कर रहे हैं देखिए हिना ने ना दीपक बनाया है एक और इस पर लिखा हुआ आई लव ओनली लव अच्छा ओनली लव ओनली लव और सुमंत पता डंडे डंडा लेके क्यों घूम रहा है ये लोहे का ये पटाखे चलाने के लिए घूम रहा है और
इधर नीतू ने तैयारी कर ली है अपनी गैस की, ये तो वैसे ही बिना रोटियों के ही हाथ मार रही है सपने में भी मारती रही है। बना ले। और ये देखिए मैंने ना ये पेड़ पर एक लाइट लगवा दी थी, तो देखिए कैसी अच्छी लग रही है ना, बहुत पुरानी लाइट है ये हमारी, तो ये पेड़ पर लगवा दी है ना, सुंदर लग रही है। उसको लगाऊंगा ऐसे जलना, वो बल्लक आ रही है, बल्लक बल्लक ऐसे करके लग जाएगी। हाँ कहीं रख दे ऐसे डालिंग पे ऐसे कर करके लगा दी। हाँ कहाँ लगा रही है? बाहर रख या बाहर? ओह तेज डर लगता है, देख तू उसको चला, ये हम तो हमारे लिए तो यही बात है दोनों के लिए। अच्छा। ये वो फिर चला है ये इसका। अच्छा है वो समझ, रुक जा रुक जाओ, फिर से कर गया। वाह सुबह झाड़ू लगाएंगे मेरे ऐसे चना से निकलता है। आज नीतू ही चला रही है पहला अनार, सीजन का पहला अनार। जल गया जल गया, अब जल जाएगा, फट भी जाते हैं ये। सही है, अच्छा था है। जरेने तो रखे हुए थे ना, जरेना बढ़िया था। ये छोटा वाला ठीक है। नीतू ने कर लिए कान बंद, नीतू के कान बंद। वाह वो गाड़ी बोल गई, गाड़ी बोल गई बच्चों तरफ। गाड़ी बोल गई ऐसे धमाके इनसे डर लगता है। ये देखिए क्या मिस्टेक हो गई, अंदर थी क्या रसोईया में? ये चली सफाई कभी सफाई के मात्रा में बाहर लाई, ये देखिए ये जला करके भूल गई। क्या बना रही थी इसमें? तेल गरम कर दे, इतना गरम तो भूल ही गई। आवाज चला चला। देखिए दोस्तों पूरा उन्होंने धुआं ही धुआं कर दिया, आग लगा ली है पूरी किचन में, बच गए। क्या कर दिया शाम को भी बाबा ने पता चुप उसमें भी सिलेंडर में भी तो लग सकती थी फिर। पटाखे चलावे में ध्यान रहेगा, चलो कोई बात नहीं, धुआं ही धुआं हो गया, गरम भी हो गया होगा ना। धनतेरस तो बन गई अच्छी ठीक ठाक, पर ये मेरा जो चेहरा है ना अगर गौर से देखें तो ऐसा नहीं लगता है कि जैसे कि जो हॉरर मूवियों में जो भूत बना देते हैं ना, ऐसे चुपका देते हैं भूत बना करके, उसी टाइप का है ना, सेम ऐसे ही लग रहा है ना। ज्यादा हो रहा है दीपावली तक शायद सही हो जाए, दीपावली तक गोवर्धन वाले दिन तक तो वाल वाल आज मैं बच गई, आग लग जाती है आग तो लग गई थी, बाद में कैमरा चालू वीडियो में डालूंगा तो डैडी तो वैसे ही देख लेंगे जब की जाएगी। अभी तक खांसी सी आ रही है, दुआ है सब। आज ना धनतेरस का दिन है और हमारे जो पापा है उनके पापा के हमारे पापा के फ्रेंड है, मित्र ही है, छोटे मेरे से थोड़े बहुत बड़े होंगे या छोटे होंगे, तो उनका भी नाम मेरे पापा के नाम पर ही है। मेरे पापा का नाम आपको पता है सत्यपाल सिंह राजपूत, वो भी सत्यपाल सिंह जादौन, मतलब हम भी जादौन है वो भी जादौन है। उनका ना हॉस्पिटल है दोस्तों मथुरा में, तो न्यू पल्स के नाम से टाउनशिप एक जगह है, टाउनशिप पर हॉस्पिटल है, तो उन्होंने आज हमारे पापा को धनतेरस वाले दिन दिया है गिफ्ट, तो हम इस गिफ्ट को ना एक बार खोल करके देखेंगे इसके अंदर क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है।
एक बार में हाँ ऐसा लगता है जैसे कि गोल्डन प्ले बटन आ गया। तो ये हमारा आया था सिल्वर प्ले बटन, ये है गोल्ड, मतलब गोल्ड प्ले बटन नहीं है परंतु ये आ गया है हमारे लिए गिफ्ट, धनतेरस वाले दिन गिफ्ट। ये देखिए दोस्तों न्यू पल्स हॉस्पिटल, और ये उनका मोबाइल नंबर वगैरह भी है, पता यूनियन बैंक के सामने औरंगाबाद टाउनशिप रोड मथुरा। तो चलिए हाँ चलिए खोलते हैं गिफ्ट और देखते हैं क्या है गिफ्ट में। है ना बहुत ज़्यादा वो हो रही है, इसको लग रहा है इसके रंगोली के कलर निकलेंगे, इसमें निकलेंगे रंगोली के कलर, हेना को रंगोली के कलर चाहिए। चलो खोल करके देखते हैं कैसा है क्या चीज है। दोस्तों काफी देर मशक्कत करने के बाद में खुला है, अब पता नहीं कब प्लेट है ये क्या है वो पता चलेगा अब निकलेगा। हाँ वाह क्या है, खोलो, अरे सीधा खोल, सीधा सीधा सीधा, वाह वाह कॉफी की क्रॉकरी निकली है, अच्छी वाह अच्छी लगी है, कितना सुंदर है, कितना सुंदर गिफ्ट दिया है ना, और कितनी अच्छी पैकिंग में है, गिफ्ट अच्छा है, गिफ्ट अच्छा है ना। दोस्तों अब हम सो रहे हैं सब लोग, गिफ्ट काफी अच्छा लगा आज का, और आज थोड़ा सा चेहरे में थोड़ा सा मेरे को फर्क महसूस हुआ है, आप लोगों को भी हुआ होगा, पर मेरे आज ये कंधे वगैरह है ना ये बहुत तेज़ दुख रहे हैं, बहुत तेज़ दुख रहे हैं, और चारपाई पर ही मैं सोता हूँ, अब बेड पर नहीं सो रहा हूँ, ये हल्ला मचा रहे हैं सभी लोग, वो देखिए वो मम्मी मम्मी चिल्ला रहा है, मम्मी मम्मी चिल्ला रहा है, पता नहीं उसे क्या हो गया, देखो गुड नाइट आपसे सुबह, तू भी बोलेगा उदम चल रहा था ठीक है तो दोस्तों गुड नाइट, गुड नाइट दोस्तों। परेशान तो आप सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, छोटी दिवाली या बड़ी दिवाली, हमारे यहाँ ना धनतेरस के जो नेक्स्ट डे जो बोला जाता है उसको छोटी दिवाली बोला जाता है, तो आज छोटी दिवाली है और हम इनको जगा रहा हूँ, नहीं तो अभी खड़ी देखे जगी है जग कर गए, तो सुबह सुबह ना आरती बजा दी थी, तो आरती होपा का गाने चल रहे, पता कौन सा चल रहा है, देखिए दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। तो चलिए दोस्तों पहले फ्रेश व्रेश होते अपना, उसके बाद में आपसे मिलते हैं। अरे नंगे पे ही फोटो भेज रहे हैं तो दोस्तों आज है छोटी दिवाली, तो आप सभी को हैप्पी दीपावली, ढेर सारी शुभकामनाएं, और सुबह सुबह है झाड़ू हाथ में, बस साफ सफाई से लग जाते हैं, आज करेंगे अपनी घर की साफ सफाई, त्यौहार का समय चल रहा है, दीपावली है, और इनके भी चोट लग गई है जैसे कि आपको दिखाया था वीडियो में, और तो इनके जब तक चोट सही नहीं हो जाएगी जब तक हम कहीं बाहर नहीं जा सकते क्योंकि गाड़ी नहीं चला पाएंगे ये तो, और दीपावली का त्यौहार अपने घर पर ही करेंगे, एक साल बाद आता है, तो मिलते हैं आपको बड़ी दीपावली वाले दिन, तक के बाद।